में आए दिन पुल गिरने व पुल बह जाने का मामला आम बात हो गई है। इसी क्रम में हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित त्रिपुरवन जट्ठी बॉर्डर का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद SSB के द्वारा तत्काल भारी वाहन पर रोक लगा दिया गया है। त्रिपुरवन SSB अधिकारियों के द्वारा थोड़ी दूर तक बैरिकेटिंग भी कर दिया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा न हो। बगल होकर सिर्फ पांव पैदल लोग बाइक सवार ही पुल होकर आवागमन कर रहे हैं। हालांकि त्रिपुरवन जट्ठी बॉर्डर के पुल से कई हजार लोग आवागमन करते हैं और भारी वाहन का भी परिचालन था, लेकिन पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद बुधवार के सुबह से ही भारी वाहन परिचालन पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय ग्रामीण त्रिपुरवन पंचायत के पूर्व मुखिया बिल्टू प्रसाद महतो, दीपक कुमार, रणवीर सिंह, अनिल कुमार सिंह, रविंदर कुमार, शिवशेखर महतो, विक्की यादव, गौतम झा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया, तकरीबन 5-7 साल पहले पुल का निर्माण ही करवाया गया था, लेकिन पुल में अनियमितता की वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल क्षतिग्रस्त की वजह से कई वाहन चालक बेरंग वापस भी लौट रहे हैं। हालांकि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद चारों तरफ तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। इस संबंध में बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता राम आशीष पासवान ने दूरभाष पर बताया, पुल नेपाल सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। हम जय को वहां पर भेजे हुए थे, नेपाल के अधिकारी लोग भी आए हुए थे, जल्द ही पुल का मरम्मत करवा लिया जाएगा। टूटने वाले पुल है जो भी नदी पे जट्ठी बॉर्डर पे, जबकि नेपाल और भारत का बेटी रोटी के संबंध है। यहाँ से मुख्य श्रद्धालुगण जानकी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं लोग। इसकी अवस्था है करीब 10 वर्षों से यहाँ पूर्व से पुल लटका हुआ है। जो भी पुल बना है वो अच्छी व्यवस्था से नहीं बना, जिसके कारण इस बरसात में एक बार बार आने का न सके। क्या लग रहा है इस भ्रष्टाचार के बारे में? तो इस देश में बोलिए मत, यहाँ तो भ्रष्टाचारों का बोझ है। अभी तक 20-25 पुल तो हम लोग आपके न्यूज के माध्यम से देख चुके हैं जो गिर चुका है। आगे कितने पुराने पुल है उधर तक बात। कितना साल पहले पुल का निर्माण कराया है? ये तो लगभग 7-8 साल पहले पुल का निर्माण हुआ है। 7 से 8 साल जी पहले ही पुल का निर्माण कराया गया था। अभी जाने आने के लिए बारी वाहनों का रोकन परिचालन किया गया है। अच्छा, पैदल जा सकता आ सकता, लेकिन दो देशों को मुख्य जोड़ने वाली ये पुल है जो जानकी माँ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं उनको रोका गया अभी तक। अच्छा, क्या नाम हो आपका? दीपक कुमार प्रसाद। घर का हूँ आपका? टिपड़ाऊँ। पुल चलाते हुए कितना दिक्कत होगा? पुल टूट गया है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। पुल चला टूट गया, हम लोग को उस पार जाने में दिक्कत होता है। जहाँ मतलब किराया भी मतलब 2 रुपया कमाते हैं वो भी नहीं कमा पाते हैं हम लोग। रोजी रोटी पर भी असर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रोजी रोटी पर भी असर। इस तरह के भी पूरा जर्जर हो चुका है। हाँ, पूरा रोड तो इतना खराब है जो हम लोग को टेम्पो पलटता है बार बार, 2 दिन पर 4 दिन में पलट जाता है हम लोग गाड़ी। 2 से 4 दिन पर बहुत ज्यादा इतना रोड खराब है जो मतलब बहुत ज्यादा पलट जाता है हम लोग। अब तो पुल भी क्षतिग्रस्त होने लगा बहुत ज्यादा। वो तो पूरा पूरा अंदर में पूरा मिट्टी नहीं है उसमें, अंदर में पूरा मिट्टी है, पूरा खाली हो गया है। तत्काल अभी रोक लगा दी गई है? हाँ, क्या? अभी नहीं जाने दे रहे हैं हम लोग को, मतलब रोका हुआ है वहाँ पे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार। घर का हुआ आपका? पेपरॉन है मेरा घर। टेम्पो चलाते हैं जी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बेनीपट्टी से आ रहे हैं। अच्छा, ये तो जिरोल के पास टूटा हुआ है पुल, उससे करने 10 गांव घूम के आना पड़ा है। अच्छा अच्छा, यहाँ आए तो यहाँ के पता चला ये भी पुल टूटा हुआ है। पता नहीं बिहार को हो क्या गया है, जहाँ देखो वहाँ पुल ही गिर रहा है, पुल ही टूट रहा है। क्या लग रहा है इसमें? क्या बोल रहे हैं? इसमें भ्रष्टाचार है। इंजीनियर सही से काम नहीं कर रहा, ठेकेदार अपने घर में पैसा ले जा रहा है। अगर सही से काम होता तो पुल का यह हाल नहीं होता। कितने दिन बना हुआ? 5-10 साल हुआ होगा पुल का बना हुआ। अच्छा, अभी ये अभी देखिए निर्माण बन रहा है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे टूट गया, बताइए इसमें क्या होगा? अगर कोई बड़ी गाड़ी जाती गिर जाती कितने जान माल की क्षति होती है। सरकार पता नहीं क्या हो गया सरकार को, जहाँ देखो अभी हर दिन ऐसा न्यूज आ रहा है, आज वहाँ पुल गिरा कल वहाँ पुल गिरा। अभी बताइए, अभी हमें जनकपुर जाना था, हम परेशान हैं, यहाँ पे गाड़ी लगा के खड़े हैं और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है जो जा पाएंगे। अब जाने के लिए फिर मुझे 40-50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो वही है, परेशान है, जनता त्रस्त है, सरकार मजे में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम झा हुआ। घर का हुआ? बेनीपट्टी। बेनीपट्टी से आप जनकपुर जा रहे थे? हाँ, जनकपुर जा रहे थे। लेकिन नहीं जा पाए? क्या? नहीं, अब नहीं जा पाए, वापस जा रहे हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्या करें, अब जा रहे हैं। जैसे कि पता चल रहा है जो सबसे बाधित कर दिया गया है, 4 चक्का वाहन से भी नहीं जा पा रहे। हाँ, 4 चक्का वाहन बिल्कुल बंद कर दिया गया है और सही भी है, एहतियातन तौर पे ये कदम जो है बिल्कुल सही है। अगर कुछ हादसा हो जाएगा, जान माल की क्षति होगी, तो उससे बेहतर है बंद है। बाकी मोटरसाइकिल जा सकता है, वो भी एक उतार भी ले जा रहे हैं। देखिए अब अकेला सिंगल जा रहे हैं सारे बाइक वाले, बाकी वो लोग को बिठा के बाइक भी अलाउ नहीं है, वो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमारे एसएसपी जवान सारे लोग लगे हुए हैं, वो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारी सुरक्षा की वजह से बंद किया गया है।
जो है वो आपके भारत का जो जमीन है वो धंस गया है, पुल का कोई भाग धंसा नहीं है, लेकिन वो जो मिट्टी वहाँ पे धंसा हुआ है इसके कारण से हेवी गाड़ी, चार चक्का का गाड़ी या कार कहिए या जीप कहिए या ट्रक कहिए, ये सब निषेधित किया गया है भारत का एसएसबी से। और हम लोग भी आए हैं, हम नेपाल से हुए, मेरा नाम जयशंकर कुंवर है। यहाँ का माहौल देखने आए थे तो आज देखे कि पुल में होल हुआ है, पुल के पास का जो भारत का भूमि है वहाँ पे जमीन धंस गई है, इसलिए लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरा नाम जयशंकर कुंवर हुआ। कहाँ से? नेपाल से। हम नेपाल से।